हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के इस V3 वर्जन के एक और घटिया सा चीज़ के बारे में, जिसको बोल रहा है कि अपने इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम अप्रूव हो जा रहा है, लेकिन अपने को नेम अप्रूवल का कोई लेटर नहीं मिल रहा है। और ये मेरे साथ अकेले नहीं हो रहा है भैया, ये सभी के साथ हो रहा है। अभी जितने लोग भी नेम अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से मेजोरिटी ऑफ पर्सन को मतलब नेम अप्रूवल का कोई लेटर मिल नहीं रहा है। आप माथा पटकते रह जाओ, माथा फोड़ के रह जाओ, लेकिन वो लोग आपको नेम अप्रूवल लेटर नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, सपोज अब मैंने दो नाम दिया है, अब दोनों नाम में मेरे को कौन सा नाम अप्रूव है मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या, मैं वो भी बताऊंगा कि भाई बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। सॉरी, मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, मेरे पास कोई बेस्ट मतलब जो लीगली होना चाहिए वो नहीं है, बट मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं यूज़ करके वो काम कर चुका हूँ। सो आई एम गोना शेयर इट विथ यू, सो शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। जैसे इस बंदे का जो कंपनी था, 9/3/2023 का लास्ट मॉडिफाइड डेट है, मतलब इस एक्चुअली ये इसी टाइम पे अप्रूव हो चुका था, 9 के बाद 10 क्या 11 को अप्रूव हो चुका था इसका। ठीक है, सो ये अभी आज का डेट जो है आपका, ये देखो 31 तारीख है आज। ठीक है, 31st मतलब अभी रात के 12:15 हो रहे हैं। ओके, सो अभी रात के 12:15 हो रहा है, अराउंड 31 मार्च हो चुका है, मतलब 20 दिन का। पहली बात तो पॉइंट यहाँ नहीं है, मतलब वो 20 दिन से ज़्यादा के लिए अलाउ कर दिए सभी का, क्योंकि ये नाम अभी भी मेरा रिजर्व है। ठीक है, एडिट कर सकता हूँ मैं अभी भी इसको। ओके, एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ यहाँ पे अभी विजिबल नहीं हो रहा है, वो आपका ये है एक्सटेंशन का, मतलब इस नेम को एक्सटेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ पे एडिट या एक्सटेंड करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, सो आई डोंट नो वाई यहाँ पे है नहीं, ये नाम अभी भी अवेलेबल है आई गेस। ठीक है, मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, आई गेस अवेलेबल है, क्योंकि एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं है, तो फिर नाम अभी भी अलाउड है मेरे को। और भी नेम्स है जिसमें किसी में भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब अभी आपके पास एक्सेस है, आप उसको कर पाओगे। नेक्स्ट इज कि आपको ये देखना कैसे, देखो पहली बात तो मिनिस्ट्री में ये जो बंदा बैठ के ये कोडिंग का काम कर रहा है, या फिर जिस भी इंसान को, जिस भी नशेड़ी इंसान को इन्होंने दिया है ये कोडिंग करने का काम, वेबसाइट डेवलप करने का काम, V3 बनाने का काम, वो बंदा मैं लिख के दे सकता हूँ, वो बंदा यूट्यूब से बैठ बैठ के क्लासेस कर रहा है, यूट्यूब में बैठ रहा है, एक तो वीडियो देख रहा है, ओके ऐसे ऐसे करना है क्या, वो भी बैठ के यहाँ ऐसे ऐसे बटन दबा रहा है, हो गया हो गया सर हो गया, फिर देख रहा होगा जा ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ और बिगड़ गया, तो वो बंदा ऐसे ही काम कर रहा है, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ। ठीक है, वो बंदा यूट्यूब क्लासेस से या फिर लॉकडाउन में यूनिवर्सिटी लॉकडाउन में वो पढ़ाई करके निकला है। ठीक है, और वो वहीं से फिर कोडिंग लेके बैठ गया, साइट लेके बैठ के बना रहा है गारंटेड, क्योंकि भैया इतना ज़्यादा गलती, इतना ज़्यादा ऊटपटांग हरकत, वही वाले यूट्यूब यूनिवर्सिटी से ही सीख के किया है वो। ठीक है, और किया भी है तो ढंग का लोग से सीखा होता, कोई नया नया लोग होगा एकदम ऊटपटांग से सिखाया बेवकूफ को। जो भी है, मजाक एक गलत चीज़ है। यहाँ पे भी क्या करना होगा, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे हिसाब से, आप एक काम करो, आपका जब नेम अप्रूवल हो गया, आप मिनिस्ट्री में पहले तो एमसीए में हेल्प डेस्क में अगर कॉल करके पूछ सकते हो, एक बार कॉल करके मत पूछिए, कम से कम दो कॉल करिएगा, दोनों टाइम अगर सेम नेम आपको बताता है दैन इट्स ओके, तब आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि हाँ भाई आपका ये वाला नाम अप्रूव हुआ है। अगर आपको दोनों टाइम अलग अलग नाम बताया जा रहा है, तो आपको तीसरा बार या फिर 3 या 4 बार कॉल करके कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा। ये कॉल में जो बैठे हुए हेल्प डेस्क के लिए, वो भी अजीब पागल इंसान है, कभी कभी नाम गलत बता देते हैं, सो प्लीज मेक श्योर कि आप 2 बार कम से कम कॉल करें, दोनों बार सेम नाम पता चला है देन यू कैन गो विद दैट नेम। ठीक है, सेकेंड, आप थोड़ा टफ है, इस एडिट फॉर्म इसको एडिट करिए, पूरा पार्ट भी फिलअप करिए। ठीक है, पार्ट भी आपको अच्छे से नहीं फिलअप करना है, डमी डेटा डाल के जो मन में आया भर के बस सबमिट करते पार्ट बी को सबमिट करना है, दैट्स इट, कुछ भी, क्योंकि आप इसको एडिट कर सकते हो, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार एडिट कर सकते हो, तो आप पार्ट बी को एडिट करके सबमिट कर दो, ऑल ओके। जब आपका सबमिट हो जाता है ना पार्ट बी डन, उसके बाद आपके फॉर्म खुल जाते हैं, अजाइल MOA सब खुल जाते हैं। आप अजाइल या MOA खोलोगे ना, या फिर MOA खोलो ना, तो AOA खोलो ना, तो आपको सबसे पहले आपको नेम, जो नेम अप्रूव्ड है ना, वो ऊपर में नाम विजिबल हो जाएगा, तो आप वहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नेम अप्रूव कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक एमसी का घटिया सा ग्लिच है, कभी कभी गलत नाम वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आपको दोनों में चेक करना है, मतलब MOA AOA अजाइल तीनों में चेक करना है कि भैया कौन सा नाम आया है। ठीक है, अगर तीनों में सेम नेम है देन इट्स ओके, आपका वही नाम अप्रूव हुआ है, अगर तीनों में अलग अलग नाम है तो सॉरी, आपको फिर से पार्ट बी भरना होगा। ठीक है, ये हमारे एमसी की देन है, हमारी कुछ गलती नहीं है भैया, माफ करना आपको। ठीक है, और तीसरा क्या ऑप्शन है, तीसरा अगर आपको लेटर चाहिए, नहीं क्लाइंट माथा फोड़ रहा है, नहीं भाई मेरे को लेटर ही चाहिए, मेरे को जब तक अप्रूवल लेटर नहीं मिलेगा, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, खाना पानी छोड़ चुका है, तब आप क्रेडिट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट में जाइए, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप टिकट रेस करिए अपना बढ़िया से। ठीक है, यहाँ आपका जो भी है टिकट वो अपना रेस कर लीजिए,
यहाँ एक स्कैम होगा आपके साथ। आप जैसे ही टिकट रेस करते हो ना, उस टिकट का रेजोल्यूशन बहुत फास्ट आता है। मतलब अभी मैंने टिकट रेस किया, विद इन 8 आवर आपका रेजोल्यूशन आ जाएगा, और बेकार सा बेवकूफों वाला रेजोल्यूशन रहेगा। इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके देखिए, कुकीज को क्लियर करके देखिए, ये वाला करके देखिए, अलग ब्राउजर पे। अरे बेवकूफ इंसान, जब तुमने भेजा ही नहीं तो मेरे को वो मिलेगा कहाँ से? अजीब पागल वाला बात हो रहा है सर। इनकॉग्निटो मोड में डाउनलोड करके देखिए, आपको शायद फॉर्म दिख जाएगा। वो उनके हेल्प डेस्क के साइड से कहना था। मेरे को एक बात बताओ, अगर उस जिप में उन्होंने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं डाला है, तो मैं इनकॉग्निटो में खोलूँ या दुनिया के किसी ब्राउजर में खोलूँ? उस डब्बे में तो होगा नहीं ना, इट इज इम्पॉसिबल चीज। अजीब बेवकूफ लोग हैं, कॉमन सेंस बोलकर है ही नहीं, वो कुछ भी बोल के रेजोल्यूशन डाल दे रहा है। अब रेजोल्यूशन यहाँ पे वो डालेंगे, इसका इसके पीछे का लॉजिक समझो। आपने टिकट रेस किया, टिकट रेस करने के बाद आप एमसीए में कॉल करोगे, सर मेरा ये कंसर्न था, बोलेंगे टिकट नंबर बताइए, तुरंत पूछेंगे। अब जैसे ही टिकट नंबर बोलेंगे, वो बोलेंगे ये तो रिजॉल्व हो चुका है, क्या फालतू में कॉल करो, टिकट रिजॉल्व हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है। अब बोलोगे नहीं, काम का रिजोल्यूशन बोला, रीओपन करिए, रीओपन करिए। जैसे ही आप रीओपन करते हो, रीओपन करने के फिर कुछ ही घंटे के अंदर वो अप्रूव हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन डाल देंगे, कुछ भी नशेड़े में कुछ भी ऊट पटांग डाल देंगे कि हाँ भाई जाओ खाना खा के आओ, काम खाना खाने के बाद करो, पानी ज्यादा पियो उसके बाद करो, नहीं, पानी ज्यादा पियो, वो कुछ भी डाल देंगे। नारियल पानी पी के डाउनलोड करो हो जाएगा, वो डाल देंगे भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं, आने वाले टाइम में वो डालेंगे। ठीक है, बोलेंगे संतरा का जूस पी के आओ, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उस टाइम में वो ऐसे ही रेजोल्यूशन डाल डाल के सेफ आपको बोलेंगे, टिकट क्लोज हो चुका है, टिकट रिजॉल्व हो चुका है। अब आप कॉल करोगे उसी टिकट के बेस से, बोलेंगे कि आपका तो टिकट रिजॉल्व हो चुका है भैया, हम क्या करें अब आपका। अब फिर से टिकट ट्रेस करो, जितना फास्ट आप रिजॉल्व टिकट ट्रेस करते हो, उससे फास्ट वो रिजोल्यूशन देते हैं, वो भी कुछ भी दे देते हैं। और देने के बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, आप कस्टमर में कॉल करते हो, वो बोलते हैं टिकट तो आपका रिजॉल्व है। सो ये घटिया सा स्कैम है, घटिया सा एक स्कैम नहीं बल्कि घटिया सा एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ताकि वो बच सके। वो ये दिखा सके कि देखो भैया, हमने 1.5 लाख V3 पोर्टल आने के बाद 1.5 लाख 2 लाख लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व किया है। भैया रिजॉल्व हुआ कहाँ, सवाल ये है, टिकट्स आप खत्म कर रहे हैं, बस नंबर्स को आप काटते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है। इस वीडियो कम से कम शेयर करो, मिनिस्ट्री तक भी पहुंचे, उनके भी कान तक ये बात जाए कि भैया ऐसा उटपटांग काम वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, जितना लोगों को हो सके शेयर करो, जा जाके इनबॉक्स में एक एक आदमी को भेजो, भाई देख ये क्या कर रहा है मिनिस्ट्री, तू भी आगे बढ़। ठीक है, तो प्लीज शेयर करिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, आपको बार बार टिकट रिजॉल्व मतलब ये करते रहना है, जब जब अपडेट तुरंत मतलब क्या बोलते हैं उसको, हर बार अपडेट हो, ये रिजॉल्व नहीं हुआ ना, रिजॉल्व होते ही फिर से टिकट रीओपन करो, फिर से टिकट रीओपन करो, जितना बार हो सके उतना बार रीओपन करो, और कंटिन्यू कीप गोइंग कीप गोइंग। ठीक है, जब तक आपका जो मेल में आपको सर्टिफिकेट मतलब अप्रूवल लेटर ना मिल जाए। ठीक है, ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग है, बहुत टॉर्चरेबल है, लेकिन आपको यही एक इकलौता ऑप्शन है। अगर आपको वो लेटर चाहिए तो आप मेल करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कॉल करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपको टिकट को कंसिस्टेंटली बार बार ओपन करते जाना होगा, ट्वाइस ट्वाइस, जितना बार हो सके उतना बार ओपन करो, वो फिर उन्हीं उसी के बेसिस पे वापस आपको भेजेंगे। ठीक है, एंड दैट इज द बेस्ट एंड फाइनल रेजोल्यूशन फ्रॉम माई एंड। आई एम वेरी सॉरी कि आपको बेस्ट ऑप्शन नहीं दे सकता, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर मैं कहाँ से दूंगा? ठीक है, जो था मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा किसी के पास और बेस्ट ऑप्शन है तो प्लीज कमेंट में करो, मैं बाकी लोगों को भी ये चीज़ इन्फॉर्म कर दूंगा कि भैया ऐसे भी किया जा सकता है। किसी के पास कोई भी सोल्यूशन है भैया, मेरे लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी बता दो, और अपना नाम पता नाम वाम के साथ प्लीज बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊँ उसमें आपका नाम भी बता सकूँ कि भैया इन्होंने ये रेजोल्यूशन दिया था, इन्होंने ये प्रॉब्लम बताया था, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन था। तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज शेयर इट विद अस, शेयर इट विद अस। ओके, गॉट इट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, जय हिंद।